हम यूईटी में पढ़ते पढ़ते एक प्रोफेसर जो कंप्यूटर का था उसको मैंने शिकायत की कि हमारा कंप्यूटर जो मेन फ्रेम था 1982 में मेन फ्रेम थे, तीन चार मेन फ्रेम थे पाकिस्तान में, उनमें से एक यूटी में था, एक जीएचक्यू में था, एक फेडरल गवर्नमेंट के पास था और एक हबीब बैंक प्लाजा कराची में था, चार मेन फ्रेम थे। आईबीएम के 1130 था शायद उसका नाम, ये 1170 था। तो वो खराब हो गया। मैंने कंप्यूटर के टीचर को वैसे ही कहा कि आप इसको नया खरीद लें। कहता है नौजवान पता है कितने का है, ये कई मिलियन डॉलर का है। तो मैंने कहा 8-10 मिलियन डॉलर आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें। तो उसने मुझे भक्ति कसी, अच्छा जब तुम वर्ल्ड बैंक जाओगे ना मुझे 10 मिलियन डॉलर दे देना। तो मैंने कहा अच्छा वर्ल्ड बैंक में जाना जरूरी है इसको 10 मिनट। मैंने उसको एक चैलेंज के तौर पर ले लिया, मैंने कहा देखिए जाएंगे अब वर्ल्ड बैंक में जाकर दिखाते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ पे और वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट का था, वही बात गुस्ताख रखियाँ कितने जा लड़ी, ये तो खुला तो ज्यादा ना सेल बड़ा इस वाला। तो मैंने कहा यार अब देखी जाएगी। अब थर्ड ईयर मैकेनिकल में मैंने फैसला किया कि वर्ल्ड बैंक के आसपास किसी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी करनी है और वहां पे वर्ल्ड बैंक में जॉब करनी है और देखता हूँ कि वर्ल्ड बैंक के लिए कौन से 30 मारखा हैं, कौन से तुरम खान जो वर्ल्ड बैंक में जाते हैं। इत्तफाक से अखबार में इश्तेहार आया, मैंने अप्लाई किया, अल्लाह का करम हुआ, टकरे मारी, एक साल मैंने मेहनत की, एक साल बाद तैयारी करके इम्तिहान दिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया और 40,000 में से 400 बंदों को स्कॉलरशिप मिला। खातम हुसैन का भी इसमें नाम था, इस नाचीज का बंदा है हकीर पुर तकसीर का भी इसमें नाम। और उस चैलेंज के बाद जो मैंने अपने आप से प्लेज किया कि देखी जाएगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और जज होके मैंने बाबे के मुकाबले में मैंने कहा कि ये कौन सी मुश्किल चीज है, हम जाके दिखाते हैं इसको। और मैं ये 82 का वाकया और मैं 88 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा हूँ फुली फंडेड से, वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने वर्ल्ड बैंक था और सामने मेरी यूनिवर्सिटी थी 2.5 फरलांग में। ये भी खुला तो ज्यादा, व्हाइट हाउस, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड बैंक, ये 200-500 गज की रेडियस में थे। साथ ही IMF जिसके अंडर लेकर है, IMF पे पड़ोस में वर्ल्ड बैंक, सामने सामने व्हाइट हाउस, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और दरमियान में खातम हुसैन, रांझा होता है ना रांझा यार फिर है। मैं पहुंच गया गुआची गांव की तरह वहां पे। पहले साल मैकेनिकल कोर्सेज लिए मैंने एक सेमेस्टर बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मैनेजमेंट कोर्सेज लेने शुरू किए। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जब मेरा MS हो गया तो मैंने कहा अब मैंने प्रोएक्टिव अप्रोच लाइफ में हमेशा अडॉप्ट करनी है। प्रोएक्टिव मतलब है कि दुश्मन के अटैक करने से पहले ही डिफेंसिस खोद लो, पहले ही बारूद तैयार रखो, पहले ही गोलियों की शिस्त बांध दो, ये मेरी लाइफ का स्टाइल है। तो मैं प्रोएक्टिवली जब मैं यूटी में प्रोफेसर के तौर पे गया, नस्ट में गया, मैंने प्रोएक्टिवली मार्केटिंग की और अपने बच्चों को आबाद कर दिया, जॉब दिलवा दी उनको प्रोएक्टिव अप्रोच से, और लाइफ में भी मैंने इस प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश की। अल्लाह ने कभी बरकत दे दी, कभी नहीं दी, बाद में दे दी। बरकत जरूर आती है, इसमें कोई शक नहीं है, डिले हो जाता है और आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। प्रोएक्टिव अप्रोच का ये फायदा होता है। तो मैंने देखा कि वर्ल्ड बैंक में जाने का सबसे आसान तरीका लीगल ये है कि आप किसी प्रोफेसर के साथ अटैच हो जाए जो वर्ल्ड बैंक से आया हो या जिसके वर्ल्ड बैंक में, वो आपका रेफरी बन जाए। तो मैंने सारा कोर्स वर्क PhD कर लिया, उसमें एक एक्स्ट्रा कोर्स था जो वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट शाम को पढ़ाने आता था, तो मैंने उसके पास कोर्स लिया। मुझे पता था इनको इंटर्न्स की जरूरत होती है, तो कोई 3-4 महीने बाद उसने एक अनाउंसमेंट की कि एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग मी इन द वर्ल्ड बैंक एज इंटर्न। इसी मौके का मैं इंतजार कर रहा था, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कोर्स लिया था प्रोएक्टिवली, जिसकी जरूरत नहीं थी। मेरा दिल बिलियों उछलने लग गया, मैं कहा मंजिल मुराद आ गई है, हिम्मत ना हार, मैंने हाथ खड़ा किया। किसी गोरे ने, सब गोरे थे मेरे अलावा, गोरे सब अमेरिकन, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी भी जाए वो गोरे नहीं होते, गोरे हो वो भी गोरे नहीं होते, लेकिन वो सारे वाइट अमेरिकन थे, किसी ने परवाह भी नहीं की। और उन्होंने जनाब, मैंने हाथ खड़ा किया, उसने कहा मुझे आ जाओ कल मिलने। तो मैं उसके पास मिलने गया, ये 1992-93 की बात है। कहते हैं मैं तुम्हें $10 पर आवर दूंगा हफ्ते में इतने घंटे। तो मेरा जितना स्कॉलरशिप था उससे 4 times उसकी इंटर्नशिप थी, $1,500-1,600। मैंने ये शो किया, मुझे परवाह नहीं, हालांकि बहुत परवाह थी, आपस की बात है। तो उसने फिर अगले दिन मुझे कहा कि आई हैव न्यूज़ फॉर यू, आपका 10 के बजाय $12 पर आवर हो गया, आपको इतराज तो नहीं है। और कहता है कि आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तानियों वाला टैक्स भी नहीं कटेगा, अमेरिका में 15-20% टैक्स कटता है मिनिमम। उसने कहा पाकिस्तानी वो टैक्स नहीं कटता, अमेरिकन का कटता है, तो आपको पूरी की पूरी नकद मिलेगी, सालम रकम
असली और फसली, असली और नस्ली फसली नहीं, टैक्स नहीं कटेगा, मुझे और खुशी हुई। बिल्ली के भागो छींक का टूटा वाली बात थी। खैर मैंने उस प्रोफेसर को ज्वाइन किया, उसका नाम अभी मुझे याद आता है, तो वो मौसूफ यहूदी प्रोफेसर थे और बहुत ही लिबरल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग। उसने मुझे गाइड भी किया, मेरे से रिसर्च भी करवाई, मैंने एक रिपोर्ट उसके लिए तैयार की और रातें जागी। मैं दिन में पढ़ता था उर्दू फिल्मों की तरह, रात को वर्ल्ड बैंक में, उसने कहा था फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने टाइम पे आओ, जब मर्जी आओ। उसने कमरा दे दिया मुझे, कंप्यूटर दे दिया और उसने कहा जी बस आपने इसकी फंडिंग्स देनी है, 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट है, 4 महीने का जो भी था। तो किस्सा मुख्तसर यह कि मैं घुसने में कामयाब हो गया। तो आप वर्ल्ड बैंक हो, ऐवान सदर हो, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो, एक दफा आप घुस जाए अंदर तो आगे से रस्ते मिल के देते हैं। इवन आप सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट भी लग जाए तो, और मेहनत करो 40 साल बाद आप एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर्ड हो जाते हैं। मैंने ऐसे इस्लामाबाद में वाकई देखे। तो मैं भी अंदर जो होता ना देसी अप्रोच में चंबड़ गया, मैं चंबड़ गया। और प्रोफेसर को मैंने इतना अच्छा काम करके दिया, उसने मुझे बड़ी अच्छी रेटिंग दी। अमेरिका में आपके बॉस की रेटिंग की बड़ी अहमियत है, उसको कहते हैं रेफरेंस। अच्छा, उसके बाद मैंने प्रोएक्टिवली वर्ल्ड बैंक की अंदर से डायरेक्टरी मुझे मिल गई, मैंने उसमें से लोगों के एड्रेसेस देखे, नाम देखे और 100-150 खत उनको खींच दिया। जब 100-150 खत मैंने खींचा और मैंने कहा कि मैंने अफ्रीका टेक्निकल में प्रोफेसर जेरी सिल्वरमैन के साथ काम किया, तो मुझे 4-5 टेलीफोन कॉल आ गए अगले हफ्ते सेकंड असाइनमेंट के लिए। ये भी प्रोडक्टिवनेस से कमाल है। और मैंने अंग्रेजी का अच्छा खत ड्राफ्ट किया कि आई एम अवेलेबल 1 ब्लॉक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक डूइंग पीएचडी इन द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। ये मेरा होता था बयानिया, ये बयानिया सेल हो गया, उम्मीद 300 कॉल्स आ गई और फाइनली 2 जॉब्स की ऑफर आई मुझे और मैंने खुद सेलेक्ट की, दूसरी जॉब मुझे मिल गई। इस दफा मेरा बॉस सिग्नलकन था। तीसरी दफा मेरी बॉस एक हार्वर्ड की प्रोफेसर थी, इधर आई हुई थी, एवन जॉन उसका नाम था। तो मैंने इन सब के साथ काम किया, बड़ा सीखा उनके बिजनेस मैनर्स, एथिक्स, वैल्यू सिस्टम, पंक्चुअलिटी और रोटी हलाल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इदारे को वैल्यू कैसे ऐड करनी है अपनी आउटपुट में। तो हर चीज़ की तान आपकी टूटती है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ बिलीफ पे, कुव्वत यकीन पे, नंबर वन। दूसरा प्रोएक्टिव अप्रोच पे। तो मैं अगर अमेरिका से जिंदा बच के पीएचडी की डिग्री लेके आ गया तो मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। मैं तो 4 साल बाद बराए नाम 17वें ग्रेड की तनख्वाह थी, जो $100 भी नहीं बनती थी उस जमाने में, $150 बनती होगी। जब मैं अमेरिका गया था मेरी 1800 तनख्वाह थी 17वें ग्रेड की, तो 1800 तो 2 दिन का खर्चा भी नहीं है वहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट करें। इवन देन मैंने वर्ल्ड बैंक में जॉब की, उसके बाद उसी जॉब के रेफरेंस से मुझे यूएन की असाइनमेंट मिल गई, उसी के रेफरेंस से मुझे टीचिंग आगे मिलती गई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज। तो मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और मैंने जिंदगी में पाकिस्तान कभी नहीं पढ़ाया। अब एक मैकेनिकल इंजीनियर इकोनॉमिस्ट को प्रेजेंटेशन दे सकता है, मैं दे रहा था 28 साल की उम्र में, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं आपको बताइए। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ इकबाल का जो मुझे इस पर याद आ गया कि यकीन मोहकम इफ यू हैव योर फर्म बिलीफ एंड फर्म फेथ अमल पहम, आप टकरे मारते रहे पहम का मुसलसल कोशिश करते रहे, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातेह आलम, और दुनिया को फतह करने का जज्बा आप में जांगुजी हो, इम्बेड हो, डिफ्यूज हो, इंड्यूस हो, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। तो जिंदगी का जो बड़ा सख्त मरहले शौक है उसमें जो शमशीर है जो आप जैसे आप दुश्मन का खात्मा कर देते हैं, और दुश्मन आपका कौन है, वसवसा, कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं उठ सकते, तुम कमजोर हो, ये वसवसा शैतान डालता है यहां पर। उस खौफ को निकाल के जब आप उसकी जगह फेथ डाल लें, इरे अंदर तक इतना ही है, फेथ को डाल लेंगे तो तरक्की हो जाएगी, फियर को डाल देंगे तो आप वो मुंशी मोहम्मद की तरह से बैठ जाएंगे और फारग हो जाएंगे, खलास, जो सऊदी नहीं कहते खलास, तोड़ जाओ, वो खलास कर देती नेचर। नेचर का असूल बड़ा जालम है, आप उसको जालम ना कहें, फेयर। जो ये इकबाल का शेर है जो पाकिस्तानी कौम पे उठता है, पाकिस्तान पे, ये कारवाने हस्ती है तेजगा मैसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवि। पाकिस्तान ने 70s-80s में करेक्टिव मेजर नहीं लिए, 90s की डिकेड हमने जाया कर दी और आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली लरज रहा है। आज भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर ले और प्रोएक्टिवली चल जाए और टैक्स लगाना शुरू करते हैं और टैक्स चोरों को पकड़ना शुरू करते हैं, कौम उठ जाएगी, इसमें कोई शक ही, कोई दो राय नहीं है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच में सेल्फ बिलीफ लीडर का होता है। तो महाथीर मोहम्मद की सूरत में मलेशिया तरक्की कर जाता है,
नेल्सन मंडेला की सूरत में साउथ अफ्रीका तरक्की कर देता है और जिन्ना की सूरत में पाकिस्तान बन जाता है। सेल्फ बिलीफ मेन चीज है। यस आई कैन एंड आई विल।